नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में अपन बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। वंस अगेन दोस्तों, आज के डेट की अगर बात की जाए तो 0.30% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर बड़े उलट फेर की तैयारी नज़र आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर गिरावट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 600 के ऊपर से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था पिछले 2-2.5 सालों की अगर बात की जाए तो, और पिछले 1-1.5 साल से दोस्तों स्टॉक इसी रेंज में बॉटम बनाते हुए नजर आ रहा है। 220 के नीचे स्टॉक ने ब्रेकडाउन नहीं किया। मैं अभी तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। देखिए, रिजेक्शन लिया था 320 के आसपास से, लेकिन नया लो यहाँ पर नहीं बनाया। और काफ़ी दिनों से स्टॉक ने, आपने देखा होगा, 220 के लेवल पर ही सपोर्ट लिया है, नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं किया। बड़ी गिरावट के बाद ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रिसेंट है, ये 320 का लेवल है, ये आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू बनता है, यहाँ से अगर 320 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया तो फिर खेल पूरी तरह से पलट जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से इस तरह से हायर हाई चार्ट पैटर्न बन सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ पर मौका है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 320 का लेवल, बस 280 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। 280 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो 320 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ से 380-400 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद फिर 480-500 और फिर यहाँ से फिर ये पूरा अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ से 320 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद बड़ी तेजी की संभावना लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बनेगी। और वैसे भी ऑलरेडी ट्रेंड पॉजिटिव ही है 220 के लेवल से, इसी लेवल पर डबल बॉटम बना के अभी अप ट्रेंड में है, तो और अपसाइड की संभावना लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बनी हुई है। वैसे बाय सेल आउट की कोई सलाह नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।